हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधिका और मेरे चैनल क्रेडिट डेली ब्लॉग्स राधिका में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो किचन टूर में बताया था कि मैं एक वर्किंग मदर हूँ, तो मैं जब भी साउथ इंडियन बनाती हूँ एक साथ बैटर बना लेती हूँ और अपनी सारी वैरायटी बना लेती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ अपना साउथ इंडियन का पार्ट वन शेयर किया था, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और उसी का ये पार्ट टू है। फ्राई इडली बनाने के लिए मैंने 4-5 इडली को कट करके गरम तेल में डाला है। इडली को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है और इस पर चाट मसाला डाल दिया है। ये टी टाइम स्नैक तैयार हो गया है। फ्राई इडली बनाने के लिए मैंने 4-5 इडली को कट कर लिया है 4 पीस में। प्याज लिया है, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, लाल मिर्च, राई, नमक और नींबू दरकार लगेगा तो डाल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, अब इसमें राई डाल दिया है, हल्दी डाला है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक, प्याज, टमाटर, नमक, धनिया पत्ती और ये मसाला इडली बन गया है। जो आलू का बनाया था उसका टिक्की बना लिया है, 4 कटोरी लिया है, ये इडली बैटर और ये ऑयल, और कुकर में नींबू डाला है, स्टैंड रखा है, पानी गर्म हो रहा है, प्लेट रख दिया है, कटोरी में तेल लगा रही हूँ, थोड़ा सा बैटर डालूंगी, फिर टिक्की डालूंगी, वापस से बैटर से कवर करूंगी। इडली पक गया है, इडली को अब निकाल लेते हैं कुकर से। स्टफ्ड इडली बन गया है, उत्तम बैटर बनाने के लिए मैंने बैटर लिया है, ऑनियन, टोमेटो, धनिया पत्ती, ग्रीन चिली, वेजिटेबल्स मैंने डाल दिया है। ग्रीन चिली को नहीं डाला क्योंकि मेरी बेटी नहीं खा पाएगी। थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया है क्योंकि वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड हो गया है बैटर में। उत्पम बनाने के लिए ये बैटर ले लिया है, हरी मिर्च और ये तेल। तवा गरम है, हल्का सा ग्रीस कर लिया है, इस उत्पम में आलू मसाला का स्टफिंग भी किया है। ट्राई कलर इडली बनाने के लिए मैंने बैटर को 3 जगह डिवाइड किया है। एक बैटर में कुछ नहीं डाला है, दूसरा में हल्दी डाला है और तीसरा में ग्रीन चटनी जो कि मैंने करी लीव और धनिया पत्ती से बनाया है। पानी को स्टीम करने चढ़ा दिया है और नींबू दिया है जिससे कुकर गंदा नहीं होता। इडली को 2-2 चम्मच मैंने 3 कटोरी में डाला है, पानी गर्म होने पर स्टीम करने के लिए रखा है। 5 मिनट स्टीम हुआ है, अब दूसरा बैटर डाल दिया है, 5 मिनट बाद तीसरा भी डाल दिया है
और ये ठंडा होने के लिए रखा है। ये ट्राई कलर इडली तैयार हो गया। लेयर को सेपरेट करके बीच में भुजिया और सॉस डाल के भी बनाया जा सकता है। अगर मैं वीडियो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऊपर से घंटी बजा के बाय।